ज्ञानवापी मंदिर या फिर मस्जिद या सर्वे से उठेगा रात से पर्दा, ज्ञानवापी मस्जिद या फिर मंदिर, तस्वीरों के जरिए समझे पूरा विवाद। हिंदू पक्षकारों इतिहासकारों के वो 10 दावे और वो 10 तस्वीरें जिनके बिना पर ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। हर एक तस्वीर के पीछे मंदिर के पक्षकारों ने पुख्ता तर्क दिए हैं और इन्हीं 10 तस्वीरों के जरिए वो दावा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद तोड़कर ही बनाई गई थी। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ज्ञानवापी मंदिर या फिर मस्जिद, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज की तारीख में ज्ञानवापी मस्जिद पर पूरी तरह से बहस चल रही है और हर जगह, हर टेलीविजन शो या फिर सोशल मीडिया पर हर जगह ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद की बात चल रही है। और इसी बीच सर्वे भी हो रहा है, सर्वे के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये मंदिर है या फिर मस्जिद। लेकिन काशी की इस मस्जिद पर विवाद ठीक वैसा ही शुरू हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर शुरू हुआ था। मंदिर और मस्जिद के पक्षकारों की अपनी अपनी दलीलें हैं और अदालत ने इस केस को सुलझाने के लिए मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी से शुरुआत की है। और अब हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि इसमें हमें पुख्ता सबूत मिल रहे हैं और हमारा पलड़ा भारी है। वहीं मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि इसमें कोई सबूत नहीं मिला है। दोस्तों चलिए चलते हैं और इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं और जानते हैं ज्ञानवापी का इतिहास। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या जैसा ही विवाद है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों बने हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि साल 1969 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर था ही नहीं, यहाँ शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आज तीसरा दिन है और आज काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद फोटोग्राफी के जरिए इसमें क्या सबूत मिले ये सब अदालत में पेश किया जाएगा और इसके बाद अदालत का फैसला आएगा। लेकिन हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और उनकी ओर से यही दलीलें दी जा रही हैं कि हमको सबूत मिल रहे हैं। हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि हमें ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे से बहुत कुछ हासिल हो रहा है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सर्वे में कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि पहले से ये मस्जिद ही है, जबकि हिंदू पक्षकार की ओर से कारों की ओर से कहा जा रहा है कि पहले ये मंदिर था और इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये तो अब अदालत को तय करना है कि यहाँ फिर मंदिर था या फिर मस्जिद। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, सुनिए तो हम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।